हेलो, फोकस एजेंसी। क्षितिज, या कम गुड मॉर्निंग। कमीशन ज्यादा दे रही हूँ क्या तुमको मैं? हाँ, वैसे आजकल के पैप्स भी ना सेलिब्रिटी से ज्यादा मेरे पीछे पड़े रहते हैं। और एक कॉस्मेटिक्स कंपनी के हिसाब से आई थिंक द प्राइस इज टू लो। आई डोंट थिंक हम ये डील कर पाएंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे। व्हाट? व्यूम आई नीड दैट मनी। कॉल बैक करो, नहीं तो यू आर नॉट माय मैनेजर एनीमोर। दूसरा मैनेजर अफोर्ड कर पाओगी? Hi Gunjan, this is Kritika's manager Vyom. Hey Vyom. I hope you got time to go through my quote. Yeah, I thought about it. But I can't push more than 45. Okay. 45 lakhs but non-exclusive. Wo kisi competitor ke sath bhi kaam kar sakti hai. Okay. Done. All right, thank you. I'll send you the details. What? Thank you bol. Thank you. Kis liye? 15 lakh ka nuksan karwane ke liye. Itne mein na Dubai ho aati main. Peak season mein wo bhi. दुबई की रिटर्न टिकट 20,000 रुपए की है। फेयरब्लूम 60 लाख इसीलिए दे रही है क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स 2 रुपए के नहीं है। पिछले 3 कैंपेन्स में इन्फ्लुएंसर्स को एलर्जीज, रैशेस, बॉल्डनेस, पता नहीं, एक तो जेल चले गए। जेल? नहीं, मतलब जेल नहीं, बट यू नो व्हाट आई मीन। तो बता, करनी है डील? 15 लाख का नुकसान तो हो गया ना, लेकिन तुझे पता है मेरे लिए मेरे टैलेंट की इंटेग्रिटी सबसे जरूरी है। यस, your new intern. इस कंपनी के बारे में क्या क्या जानते हो? वो आप सेलिब्रिटीज को मैनेज करते हो? सिर्फ मैनेज नहीं करते, उनके लिए काम लाते हैं और उनका पीआर भी संभालते हैं। पीआर? पब्लिक रिलेशंस। या लुक्स गुड। आकाश कपूर के बारे में क्या जानते हो? वो सुबह 4 बजे उठता है, बिल्कुल पार्टी नहीं करता, बहुत सारी चैरिटी करता है। शाम को उठता है और सुबह तक पार्टी करता है। दुनिया सिर्फ वही देखते हैं जो हम उन्हें दिखाते हैं। कीप द सेफ। बट मुझे क्या करना है? ज़्यादा कुछ नहीं, हर हफ्ते की 10 स्क्रिप्ट्स आती हैं, 300 का पाइल अप है, सब पढ़ के बेस्ट मटेरियल मुझे पास कर देना। कर लेगा? 10 स्क्रिप्ट पर डे, दैट्स लाइक 1000 पेजेस। शिल्पा। यस। चेंज द इंटर्न। नहीं नहीं, मैं 20 पढ़ लूंगा। गुड, हमारी इंडस्ट्री में टाइम के अगेंस्ट रेस है। So we talk fast, walk fast, and lock fast. And in your case, I hope you read fast. Yeah. ये चोट कैसे लगी? वो actually. फैब लूम की डील बना क्यों की? तू अपने लिए काम करते हो या कंपनी के? सर, एक दूसरा ब्रांड लॉक कर दिया है। I was just protecting our clients. फैब लूम की इंटेग्रिटी क्वेश्चनेबल है सर। और 15 लाख का नुकसान तुम भरोगे कंपनी को? एक और डील कैंसिल हो ना व्योम, तो तुम अपनी इंटेग्रिटी को लेकर समझे? ओके। व्हाट ओके? इंटर्न के सामने डांट खाना है ओके? तो स्क्रिप्ट पढ़ना है। सब मुझ पे लगा दिया है, मेरे हाथ में ही। वीके 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 न्यूज़ देखा, न्यूज़ देखा, मीम देखा। शी इज ऑल ओवर द इंटरनेट। वन ऑफ द मीम सेज इसरो इज प्लानिंग अ सॉफ्ट लैंडिंग इन हर नोस्ट्रिल। तारिस वसी ने ऑलरेडी अपना गाना रिलीज कर दिया, नाक में दम। कुछ देर में ट्विटर पे भी ट्रेंड करेगा। क्या ये गाना? नहीं, कृत की नाक। हां, इट्स ऑलरेडी ट्रेंडिंग। एक रील बनाते हैं कि उसकी नाक में चिप लगी हुई है। व्हाट? 2000 का नोट नहीं है ये? तो वो अपना खुद का मीम रिएक्शन वीडियो बना सकती है ना। चैट शो, वो पक्का काम करता है। कार में इंटरव्यू करते हैं। एक तो तू धीरे बोला करना,
किसी को समझ नहीं आया। सबको समझ आ रहा है, तू तेज बोला। बोलने देगा तो ना मुझे। टीम कैन यू प्लीज फोकस। इसको समझाओ ना फिर। बोथ ऑफ यू प्लीज। ओके ओके गाइस, इस पूरी चीज को ना एक चैरिटी इवेंट में बदल देते हैं। कृतिका की मीम्स पे जितने भी लाइक्स आएंगे ना, हर लाइक का एक रुपए वो डोनेट करेगी। 10 रुपए? आइडिया तो 100 रुपए का है। व्यूम आइडिया अच्छा है। उसकी डील के पैसों से काट लेंगे। और अगर 10 मिलियन व्यूज आ गए तो पैसे कहां से लाओगे? एक बड़ा सा चेक लेके फोटो डाल देंगे इंटरनेट पे, किसी को क्या पता चलेगा। हाँ, पर ये गलत होगा ना। एग्जैक्टली, इंटर्न है पर तुमसे ज्यादा समझदार है। ऑलराइट गाइस, आई एम गोइंग टू स्टार्ट शेड ऑफिस। बाय द टाइम आई एम बैक, आई नीड अ सॉलिड, नो आई नीड अ माइंड ब्लोइंग आइडिया। सर, इसमें से कौन सा करना है? कुछ भी नहीं। हाय कृतिका। नहीं नहीं, अरे मैं मीटिंग में था इसीलिए तुम्हें फोन नहीं कर पाया। ऑफ कोर्स आई एम ऑन इट, आई एम ऑन इट। एजेंसी भी हंस रही है मुझ पे? नहीं नहीं, कोई नहीं हंस रहा है तुम पे। ना तो मैं कोई इंटरव्यू दे रही थी और ना मैं किसी सेट पे थी, और अपनी प्राइवेट स्पेस पे मैं क्या करती हूँ उसे क्या फर्क पड़ता है यार? अब अपनी बेसिक ह्यूमन नीड्स पूरी करने के लिए भी मुझे ट्रोल होना पड़ेगा क्या? अरे यार, जस्ट लाइक एवरी कॉइन, फेम के भी दो साइड्स होते हैं। वे टी इन टेल स्टैंड्स फॉर ट्रोलिंग। मैं ना हमेशा से ट्विटर पर ट्रेंड होना चाहती थी, पर ऐसे नहीं। अपने अगले प्रोजेक्ट में महारानी का रोल कर रही हूँ, कास्टिंग वाले वहां से भी ना निकाल दें। अरे वो मेरा प्रॉब्लम है, तू सिर्फ अपने काम पे ध्यान दे। कैसे फोकस करूं यार, जिसको देखो वो चिढ़ा रहा है मुझे। पब्लिक इतनी जल्दी नहीं भूलती है, और ये स्टार शेड वाले तो बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। कहीं डील ना ले ले मुझसे। अच्छा लिसन लिसन, सुन, इतना पेसिमिस्ट नहीं होते। सोच, डील है नहीं। आर यू मैड? लिसन, इफ आई लूज दिस डील यू विल लूज मी। गॉट इट। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर ये डील गई तो मेरी नौकरी भी जाएगी। I don't know about that. My problem is bigger than yours. Of course, your problem is always bigger. हम कहाँ जा रहे हैं? गुंजन ऑफिस? हर वेन्यू का एक अटायर होता है। तेरा अटायर चेंज करना पड़ेगा। सही तो था जो पहले पहना था। तो मैंने कब कहा सही नहीं था? I'm a talent manager. I represent someone. And your attire speaks before you do. Samjha? You are the projection of their success and failure. So you got to dress like a winner. हाँ, पर rapper से meeting करने ये थोड़ी पहनूंगा। मैं rapper थोड़ी हूँ। मैं तो वो हूँ जो उनको PG से उठा के penthouse में डाल देता है। अब जा सकते हैं Star Shade के MD से मिलने। वो trendsetter होगी व्योम, पर अभी उसकी beauty से ज़्यादा उसकी उंगली और नाक की बातें हो रही हैं। और ऐसे में स्टार शेड ब्रांड उसके साथ कोई भी नया एड कैंपेन नहीं करेगा। इंटरनेट दलदल है गुंजन, इवेंचुअली सब दब जाता है। दब जाता शायद अगर उसने ये पोस्ट नहीं किया होता। हाय गाइस, सो गाइस, इंटरनेट पे एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा है एंड आई डोंट नो व्हाई बट एवरीबॉडी इज टैगिंग मी ऑन इट। आई मीन, वो मैं नहीं हूँ गाइस, इट्स ईदर अ डीप फेक और एन AI जनरेटेड वीडियो। आई मीन, आज का तो AI से कोई भी कुछ भी कर सकता है, राइट? एंड हाउ कैन यू इवन इमेजिन कि मैं ऐसा कुछ करूँगी? पीपल आर ट्रोलिंग हर व्योम, नाउ शी इज ब्यूटी विदाउट ब्रेन। मैंने तुझे फर्स्ट देखा था। इंटरनेट की जनता ना इज वे स्मार्टर देन यू क्रिट्स। हां तो ठीक है ना, इंटरनेट की जनता मुझे ज्यादा स्मार्ट है, तो अब मैं हूं मेटा, हूं मेटा, ठीक है? अब क्या करूं, सोशल मीडिया डिलीट मार दूं? नहीं, डिलीट ही कर दे, और ऐसा कर इंडस्ट्री भी छोड़ दे और वापस चली जा गांव। यू हैव टू हैंडल इट। आई मीन, रिजल्ट्स तो मुझे दिख नहीं रहे हैं। ओके ओके, रिलैक्स, मैं कर रहा हूं नया ट्राई। ऑफिस 8 बजे तक खुला है, पर कोई नहीं, 12 बजे तक भेज देना, जगह रहूंगा तेरे रेजिग्नेशन लेटर के लिए। It's okay. What okay?
इंटर्न के सामने डांट खाना है जो So guys, कैसा लगा? ये तेरी आर्टी शॉर्ट फिल्म ना कांस भेज दे। उसकी AI वाली वीडियो के बाद this is the best that we can do, honestly. ये किस काम है? आप? वो अरे ये distraction technique था। मेरे गाल पे पिंपल हुआ है ना तो जहाँ पिंपल हुआ है वहाँ लगाना पिंपल को खुला ही छोड़ते हैं अरे पिंपल पे टूथपेस्ट लगाते हैं उसको ऐसे फोड़ देते हैं ना गाइस इतने बड़े क्राइसिस के बीच में हम पिंपल डिस्कस कर रहे हैं नहीं पर वही तो पॉइंट था अगर मैं बैंडेज नहीं लगाता तो पूरे ऑफिस में सिर्फ मेरे पिंपल के ही चर्चे होते यू नो व्हाट देयर इज समथिंग देयर पूरा इंटरनेट अभी कृत्स की नाक के ऊपर ऑब्सेस्ड है वी नीड समथिंग दैट डाइवर्ट्स ऑल देयर अटेंशन कुछ बड़ा हाँ मतलब यू मीन वी नीड अ बिगर नोज नो वी नीड अ बिगर बैंडेज दैट्स माय बॉय कॉल रानी वो हम में से किसी से बात नहीं करने वाली है क्यों वो आई थी साइन होने यार एंड यू टोल्ड हर कि मैं टैलेंट मैनेजर बनूंगा किसका जब तुम्हारे अंदर टैलेंट है ही नहीं स्कूटी के अंदर ब्रेक नहीं है पर कोई बात नहीं ये ना तेरी क्लाइंट मस्त टैलेंट से नाक खुजा रही है ओके रानी आई एम सॉरी बट आई डोंट रिग्रेट व्हाट आई सेड देखो तुम उसके बाद क्या बन गई You know, it's called negative motivation. You are failing forward. चुप. Negative motivation. Actor बनना था मुझे. सिर्फ एक तू और मेरा बाप ही नहीं चाहते हो कि मैं actor बनूं. Okay, I'll be honest. I really need your help. I need a film contract. That's not possible. Web show? You know, I can't promise that. चल. Wait. रुक. Short film, big director, short film. हाथ खोल के बोल. I promise. बता चल क्या करना है. Here's the plan. क्या सोच रहे हो? ये सोच रहा हूँ कि एक्टर अमरीश को कैसे साइन करूँ. साइन करना है तो किसी A-lister को साइन करो ना ज्यादा कमीशन मिलेगा वाह एक ही दिन में तेरा IQ बहुत बढ़ गया नहीं स्मार्ट तो मैं बचपन से था व्योम रील देखा न्यूज़ देखा मीम देखा रानी ब्रोक द इंटरनेट कैसे अरे उसने रोड पर जाके अपने सारे अतरंगी कपड़े भिखारियों में बांट दिए और मुंबई का हर भिखारी लुक्स लाइक रानी That's not bad actually. That's Hello? Hey Vyom. I think you were right. Internet dalali hai, sab dab jata hai. I really like your quicksand metaphor. I'm gonna use it somewhere. You know the drill Gunjan. We talk fast, walk fast and... Lock fast. Exactly. So are we on? The deal is on. Woo! The deal is on. Nice! Hey guys, we hope you like this episode. Tell us in the comments about your favorite Savage Vyom moments. यार काश मेरा सीन भी Vyom जितना cool होता मुझे भी ऐसे stylish outfits से लाता यार. यार stylish outfits के लिए जो Vyom जैसा scenery क्या जरूरत है? Just go to your nearest park or venue store और वहाँ जाके अपना style pick कर लेना. Meeting हो या date night, they got it everything sorted for you. सही है यार. वैसे next episode कब आ रहा है? The next episode is releasing on 7th November. So stay tuned and subscribe to the Time Niners.